Hello, friends. Today we are going to discuss about Java strings. The objective of this lecture is to know what is string, the features of string, and the last difference between AWK and strings. So now, string is a framework that provides more powerful and flexible GUI components than the AWT. String एक framework है जो कि हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाता है जीयूआई एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। जैसे हमने अगर कोई फॉर्म डिजाइन करना है तो जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें डिजाइन करना है तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्सेस की जरूरत होगी, लेबल्स की जरूरत होगी और हमें कमांड बटन्स की जरूरत होगी। तो वो सारे कंपोनेंट्स हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है? सिंक प्रोवाइड करवा रहा है। अब बात आती है कि ये सारे कंपोनेंट्स जो थे हमें ये AWT यानी एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट भी प्रोवाइड करवा रही थी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? AWT के थ्रू जो कंपोनेंट्स हम लोगों को मिल रहे थे वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थे, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि जब हम कंपेयर करें कि स्विंग्स के थ्रू हम इनका लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे, जबकि AWT के कंपोनेंट्स का हम चेंज नहीं कर सकते। आगे जाके इसे डिस्कस करेंगे। AWT में कुछ जो लिमिटेशंस थी उसके उस वजह से भी हमें स्विंग पे के पास जाना पड़ा या स्विंग्स पे काम करना पड़ा। जैसे AWT पे था कि भाई इसका जो ग्राफिक इंटरफेस था वो लिमिटेड था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ये थे, यानी कि एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करते थे। आपने किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए अगर कोई एप्लीकेशन बनाया है, कोई जीयूआई एप्लीकेशन बनाया है, तो वो उसी प्लेटफॉर्म पे रन होगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो प्रॉब्लम करता था। या लुक एंड फील इसका चेंज नहीं कर सकते आप। आपने अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग अगर कोई फॉर्म डिजाइन किया है और उसे आप अगर डेस्कटॉप में चला रही हो और डेस्कटॉप पे रन कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम करता था। टेक्स्ट बॉक्स कहीं आपने दिया है और वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होकर वो कहीं और आ जाता था, इसलिए वो थोड़ा सा दिक्कत करता था। तो इसलिए हम लोग जो है जीयूआई एप्लीकेशंस के लिए स्विंग के पास गए। और इस टाइम पे लास्ट डिकेड की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो जीयूआई एप्लीकेशंस के लिए यूज हो रहा है अगर जावा के थ्रू आप काम करो तो स्विंग पे ही काम करते हो, ना कि AWT पे काम करते हो। जो स्विंग है ये इंट्रोड्यूस हुआ था JDK 1.2 में 1991 और 1992 पे, और ये एक पार्ट है आपका JFC का। JFC यानी जावा फाउंडेशन क्लासेस। जावा फाउंडेशन क्लासेस क्या करता है? ये है कलेक्शन है क्लासेस का जो कि आपको जीयूआई एप्लीकेशंस को बनाने के लिए फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। ये कंटेन करता है आपका स्विंग्स को, इसमें आपको मिलती है AWT यानी एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। जो स्विंग है ये लाइट वेट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाता है। लाइट वेट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाता है, कहने का मतलब है कि या जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो लाइट वेट हैं, यानी कि उनका जो स्पेस वो लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं कंपेयर टू AWT। AWT में क्या था कि AWT जो कंपोनेंट्स थे वो आपके क्रिएट होते थे आपके OS की फंक्शनैलिटीज को यूज करके, जबकि आपका जो स्विंग है वो आपके OS को यूज नहीं करता। तो इसलिए जहां पे भी आप इसे चलाओगे वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लाइट वेट भी इसी वजह से ये आ जाता है। जो स्विंग है ये आपका MVC आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। MVC यानी मॉडल व्यू आर्किटेक्चर। इसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दूंगा, ज्यादा डिटेल में तो हम लोग बात नहीं करेंगे। इस डायग्राम से हम लोग इसे समझ सकते हैं। तीन चीजें हम लोगों के पास है, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। मॉडल मॉडल कंटेन करता है बिजनेस लॉजिक्स को। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मॉडल क्या है, ये बता रहा है आपके स्टेट को, बिहेवियर को, किसकी? आपके कंपोनेंट की। यानी कंपोनेंट जैसे मैंने कहा भाई मेरे को क्या करना है, एक बटन लेना है, मैं एक टेक्स्ट कमांड बटन लेना चाह रहा हूँ, तो उस कमांड बटन का जो बिहेवियर है वो आप कौन डिसाइड करेगा? मॉडल डिसाइड करेगा। जब हम व्यू की बात करते हैं तो व्यू बताता है उस कंपोनेंट का डिस्प्ले को मैनेज करने का काम, यानी कि वो कंपोनेंट जो है वो कैसे अपीयर होगा, उसको कौन डिसाइड कर रहा है, उसको कौन मैनेज कर रहा है? व्यू मैनेज कर रहा है। कंट्रोलर, कंट्रोलर आपकी जो कंपोनेंट है उसकी स्टेट पे को मैनेज करने का काम करता है कि वो स्टेट कैसे चेंज होगी। जैसे मैंने कहा कमांड बटन है, मैं कुछ ऐसा काम करना चाह रहा हूँ कि कमांड बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा जो
स्क्रीन है या बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो कमांड बैकग्राउंड कलर मेरा रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड हो जा रहा है। तो इसे कौन मैनेज करने का काम मैनेज करेगा? कंट्रोलर करेगा। यहाँ पे भी आपको यही चीज दिखाई है, मॉडल मैनेज द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट, देन व्यू मैनेज द डिस्प्ले ऑफ द कंपोनेंट, एंड कंट्रोलर डिटरमाइंस व्हेन एंड हाउ द स्टेट ऑफ मॉडल विल चेंज। Then it contains all the features of AWT abstract window toolkit के जितने सारे features थे वो सारे के सारे ये use करता है with extra functionalities। इसके कुछ और भी features हैं उनको discuss करें। तो swing जो है आपका 80, अभी next slide में इसको हम features को discuss करेंगे। swing में जो है आपको swing आपका 18 packages यहाँ पे हैं, but generally जो use होते हैं वो आपके दो ही use होते हैं, javax.swing और javax.swing.event। swing आपका swing create करने के लिए use होता है, javax डॉट स्विंग डॉट इवेंट इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज होता है। कि जैसे मैंने कहा भाई माउस की जो कर्सर है उस कर्सर की ड्रैग करने पे कोई इवेंट मेरे को अगर करानी है या उसे मैं क्लिक करता हूँ तो उस पर कोई इवेंट अगर करवानी है तो वो सारी चीजें मैनेज होती हैं आपकी इवेंट पैकेज से। फीचर्स की बात करें तो लाइट वेट कंपोनेंट्स ये होते हैं आपके स्विंग्स, आपको लाइट वेट कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाता है। कस्टमाइज जीयूआई एप्लीकेशंस, जीयूआई एप्लीकेशन जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। Allows developers to build applications that can be used across the world in different languages. Platform independent है तो इस वजह से ये possible है। Rich controls, it has a number of built-in controls such as trees, tapped pens, sliders, toolbars, tables. ये controls इसके पास हैं, बहुत सारे controls हैं, उन controls पे आप काम कर सकते हो। Pluggable look and feel, pluggable look and feel कि फीचर को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं एक फॉर्म में डिजाइन कर रहा हूँ स्विंग्स के थ्रू और एडब्ल्यूटी के थ्रू, एक फॉर्म मैंने एडब्ल्यूटी के थ्रू डिजाइन किया, दूसरा फॉर्म मैंने आपका स्विंग के थ्रू डिजाइन किया। अब एडब्ल्यूटी फॉर्म को अगर मैं जब रन करता हूं तो आपका क्या है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो वो क्या करेगा कि आपने जैसे आप जब एग्जीक्यूट होगा तो ठीक है मेरे पास जो मेरे को जो टेक्स्ट बॉक्स है उस टेक्स्ट बॉक्स की या फॉर्म है फॉर्म की हाइट और विड्थ मैंने कुछ ली हुई है, मेरे को उसे चेंज करना है रन टाइम पे, तो वो पॉसिबल नहीं है एडब्ल्यूटी में, जबकि स्विंग्स के थ्रू आप ये काम कर सकते हो, आप रन टाइम में यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो ये है आपका प्लगेबल लुक एंड फील फीचर। और यहाँ पे जो स्विंग्स में जो कंपोनेंट्स होंगे वो जे से स्टार्ट होते हैं, जे ट्रिपल एक्स कह सकते हो आप इसे, जे ट्रिपल एक्स मतलब एप्लेट, जे से वो स्टार्ट होगा हमेशा। जैसे एप्लेट लेना है तो आपके पास कंपोनेंट है जे एप्लेट, आपने का फ्रेम लेना है तो आपके पास है जे फ्रेम, जबकि एडब्ल्यूटी में आपके पास जे का कोई कंसेप्ट नहीं था, आप डायरेक्ट एप्लेट या फ्रेम या बटन या टेक्स्ट बॉक्स कहा करते थे। जावा 5 के बाद अगर हमें कोई कंपोनेंट स्विंग में ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट ऐड देन कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। जैसे मैंने कहा भाई मेरे को बटन लेना है तो मैं कहूंगा ऐड जे बटन जे या फिर बी, जो भी आप देना चाहते हो ये डिपेंड करता है आप पे, आप इस ऑब्जेक्ट के नाम कुछ भी दे सकते हो। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी एडब्ल्यूटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेंगे, जिस सिस्टम पे बने हुए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जबकि स्विंग्स के कंपोनेंट जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हैं, आप कहीं पे भी चला सकते हो, किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करेंगे जैसे जावा है। एडब्ल्यूटी जो है वो हैवी वेट कंपोनेंट्स होते हैं, अगेन वही रीजन की भाई ओएस की फंक्शनैलिटीज को ये यूज कर रहा है, आपके मशीन के ओएस को यूज कर रहा है। स्विंग जो है ये कंपोनेंट आपके लाइट वेट कंपोनेंट्स होते हैं क्योंकि ये आपके ओएस को यूज नहीं करते। एडब्ल्यूटी जो है वो कंपेयर टू स्विंग बहुत कम कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाता है, जबकि आपके स्विंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स आप लोगों के पास हैं, जैसे टेबल्स आप यूज कर सकते हो, आप लिस्ट को यूज कर सकते हो, आप स्क्रॉल पेंस को यूज कर सकते हो, या कलर चूज के लिए कलर चूजर यूज कर सकते हो। एडब्ल्यूटी जो है वो एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करता, जबकि स्विंग आपका एडब्ल्यूटी आर्किटेक्चर एमवीसी आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच।